गुड मॉर्निंग, खा लो खाना, मैं पानी बदलाती हूँ। आई थोड़ा देर ऊपर बस गया चीज, चलो नीचे उतर के खा लो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरे साथ आप सभी की भी दिन की शुरुआत हो ही चुकी होगी। मेरी किस्मत आप सभी को आज बहुत, कोलकाता भी सजा धजा रहता है, कोलकाता भी भीड़ है, कई जगह पर कई तरह के प्रोग्राम होते हैं। देखिए मैंने ये कप कल खरीदा शाम बाजार से, बहुत सुंदर लग रहा है ना। मेरा वो कप खराब हो गया था इसलिए मैंने ये कप खरीदा। पेट से ये वाला हीट लेकर आई हूँ। ये कहते हैं कॉकरोच के लिए अच्छा होता है, मतलब उनको मारने के लिए। किचन में कॉकरोच दिखे तो अच्छा नहीं लगता। मेरी भी किचन में इतना सा एक कॉकरोच दिखा है, मैंने ये हीट लगाया है। अब देखती हूँ ये सचमुच मरता है कि नहीं, पता नहीं चलता ना क्योंकि कभी सामने नहीं देखा। अभी तक तो ये जिंदा है, कहीं दूर ना निकल जाए। छोटा सा पिद्दी सा कॉकरोच परेशान कर रहे हैं मुझे। इसे इसके हाल पर छोड़ देते, इसने दवाई तो खाई है लेकिन अभी तक जिंदा है, पता नहीं कब मरेगा। चलिए आज फिश मार्केट की भी सैर करवा देते हैं। सांता क्लॉज, कोलकाता उत्सवों का शहर है, यहाँ कोई भी उत्सव हो बस खुश रहना है। टेडी का पेट भर गया, अब टेडी गाना गा रहा है। ये कितने मस्त होकर खेल रहे हैं अपनी। मैं पूजा करते बैठते बैठकर इनका खेल देखती रहती हूँ। देखिए सब मस्त है। यहाँ पर ये मस्त है, ऊपर वो पक्षी मस्त है, झूले में ये बंदा मस्त है। नीचे कुछ खाने में मस्त है, सभी अपनी दुनिया में मस्त है। दोस्तों सुबह शाम के 5 तो बज चुके हैं। जैसा कि सबको आपको भी पता है कि आज तो 25 दिसंबर है और आज तो सभी अपने अपने पार्टी पिकनिक में इन्वॉल्व हो चुके हैं। सभी अपने अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आज दिन ही ऐसा है, एक तो ना ज्यादा ठंड है और ना गर्मी है, तो इसलिए पिकनिक तो सबके लिए ही अच्छा होता है। बच्चों के तो पूछे ही मत, बच्चे अपनी दुनिया में बहुत ही बिजी होंगे। आज तो बाहर तो बहुत शोर शराबा होगा, इसलिए मैंने आज बाहर ना जाकर घर में ही रहने का फैसला किया। अब घर में कुछ तो करना है नहीं तो बोर हो जाऊंगी, इसलिए सोचा। ये आम बात है हर घर में, अभी यूट्यूब के बदौलत केक बनाना तो हर कोई सीख चुका है, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, आज केक बना लेती हूँ क्योंकि बड़ा दिन है, बड़ा दिन में केक फेमस होता है। एक समय था जब केक की अहमियत सिर्फ हम दुकानों से ही खरीदते थे, खुद बनाना उतना आता नहीं था, लेकिन आज तो घर के हर घर में सभी को केक बनाना आता है। ये कह सकती हूँ कि
केक बनाना आज आम बात हो चुकी है। पर दोस्तों यकीन मानिए, एक समय ऐसा था जब बाबन बहुत छोटा था, तब केक बनाना इतनी आम बात नहीं थी। हर घर में केक नहीं बनता था, या तो केक बनाने के लिए लोग बेकरी के पास सीखने जाते थे या एक्स्ट्रा क्लास करना पड़ता था केक के लिए। तो उस समय केक घर घर की बात नहीं थी, केक बर्थडे वगैरह में बनता जरूर था, वो हम खरीद के लाते थे। मुझे भी केक बनाना तब नहीं आता था, तो उस समय हम बाबन को स्कूल छोड़ने जाते थे, तो वो किस्सा मुझे याद है। उसकी बस लेने आती थी टाइमली, हमारे 7:15 का टाइम था, शायद 6:45 से 7 बजे का टाइम था। तो हम कुछ गार्जियन मम्मियां मिलकर एक दूसरे एक्सप्लोर करते थे, क्या एक्सप्लोर करते थे, किसे क्या बनाना आता है वो सीखने की कोशिश करते थे। तो उसी समय कोई गाजर का केक बनाता था अपने घर बुलाता था, तो कोई खजूर का केक बनाकर अपने घर बुलाता था, हम लोग इंजॉय करते थे। सच पूछिए, उस समय मुझे भी केक बनाना नहीं आता था, मैंने उन लोगों से ही सीखा था। वैसे मेरी ननद बहुत अच्छा केक बनाती है, लेकिन हम लोग क्या एक ही सिटी में नहीं थे, मैं थी ग्वालियर, वो थी यहाँ पर, तो मतलब दोनों ही सर्विस में थे। तो उस समय मैंने केक बनाना सीखा था, लेकिन अभी तो यूट्यूब के बदौलत ही हम कह सकते हैं कि केक बनाना एक आम बात हो चुकी है, हर किसी को केक बनाना आता है। तो आज बाहर जाने का मूड नहीं था, क्योंकि बाहर बहुत ही भीड़ भाड़ होगी, ये सोचकर मैंने कहा कि नहीं, रहूं घर में तो बोर होने से अच्छा है केक बना लेती हूँ। क्रिसमस का असली मीनिंग भी तो केक ही है ना। मुझे वैसे प्लेन केक ही बनाना आता है, ना वो भी नहीं आता, मैं वही ट्राई करती हूँ। आज मैंने सोचा है मैं एक दोस्त के फ्रेंड के घर चली जाऊंगी, ऐसी टाइम पास करने के लिए। ये केक बन जाए, केक को रखकर उसके साथ मैं थोड़ा टाइम पास करके आऊंगी, क्योंकि आज घर में मैं यार अकेली हूं, अच्छा नहीं लगता। लड़के अपनी दुनिया में व्यस्त है, मेरे हस्बैंड अपनी, मैं भी थोड़ा पार्टी कर लूंगी अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ। वैसे मुझे ये अब बड़ा दिन को हम केक डे भी कह सकते हैं, आज के दिन मैक्सिमम लोग घूमने जाते हैं। कितना अच्छा साधन आविष्कार हुआ है, उसकी वजह से तो अब हाथों में दर्द भी नहीं होता। पहले हमारे बनाते वक्त हाथ बहुत दुखने लगता था, मैं कभी कभी तो अपने हस्बैंड को दे देती थी, कहती थी बैठ कर पैटर्न से बनाओ। अभी बहुत आसान हो गया, अब आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं हम इन सब चीजों से। आज तो वैसे भी दिन बीत चुका है, अब थोड़ी देर में कोका देल के साथ खेल लूंगी, फिर उन्हें भी सुला दूंगी। आप लोगों का भी तो दोस्तों आज पिकनिक में बहुत अच्छा मजे में बीता होगा। आज ज्यादा हमारे यहाँ कोलकाता में जू में, विक्टोरिया में, वहां चर्च है चर्च में, इन सब जगह पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है। चलो बातों ही बातों में एक तो बन गया, अभी से मैं बेक करने दे देती हूँ। मैं वैसे मेरे पास माइक्रोवेव है नहीं और मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ती उसकी, क्योंकि मेरे तो बेकरी मेरी कढ़ाई है और गैस ओवन है, मैं उसी में बेक करती हूँ, बन जाता है। यहाँ मेरी चाय भी बनकर तैयार है,
और ऊपर वो सब भी बुला रहे हैं मुझे। जल्दी से 2-3 बना लेती हूँ, बस जाएगा काम खत्म। काम खत्म। अच्छा लग रहा है ना? हाँ चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ मेरा किचन का केक बनाने का सेटअप भी दिखा देती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने अपने इजी प्रोसेस में बिठा दिया है इन सबको। ओवन की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही बन जाएंगे। चलिए मैं अपना दूसरा काम निपटा लेती हूँ, ये तब तक बनते रहे। देखिए दोस्तों, लग रहा है ना केक बनकर तैयार है। ये सारे बैटर बन गए हैं। चलो मेरा काम भी निपट गया है, अब मैं कोकाटेल और फिंचेस को साफ सफाई करूंगी। ये सारे बैटर बन गए हैं, बस इन्हें ओवन में बिठाना है। ओके, मेरा ये भी मैक्सिमम बनने का तैयार है। चलो अच्छा है, आज के लिए मेरा टाइम पास बहुत अच्छा हो गया, शायद खाने में भी टेस्टी होगा, इतना तो पता नहीं है। हाँ दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है। 2 केक बनकर तैयार है, 2-3 केक और 3 केक बन रहे हैं। चलो अच्छा टाइम पास हो गया मेरा, मैं भी अपने फ्रेंड के घर चली जाती हूँ, टाइम पास और भी ज्यादा अच्छे से करके आती हूँ। फिर आकर कोकाटेल को फ्रेश करेंगे दोस्तों। खत्म हुआ, ये भी अच्छे लग रहे हैं। देखिए कितने छोटे छोटे, कितने प्यारे लग बने हैं। चलो देखिए, और ये लास्ट वाला बन रहा है। रात के 10 बज गए, आंखों में नींद नहीं है किसी के, और आज मुझे बहुत देर हो गई दोस्तों। मैं अभी गई थी, अरे ये तो बोलनी ही नहीं दे रहे, बहुत देर बाद मुझे देख रहे हैं, चीख रहे हैं। देखिए सब दर्शकों की तरह खड़े हो गए मुझे देखने के लिए। हाँ भैया अब साफ सफाई चलेगी? हाँ साफ करूंगी ना मैं तुम लोगों को। हाँ रात के 10 बज गए हैं, अब तुम लोग सो जाओगे साफ सफाई होने के बाद। हाँ आज वक्त ही नहीं मिला इनके साथ खेलने का, मैं थोड़े बाहर गई थी। दोस्तों को गुड मॉर्निंग नाइट कहो, गुड नाइट, गुड नाइट। वो अपनी गर्दन हिलाकर देख रहे हैं। हाँ गुड नाइट, कल फिर नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। आज बहुत रात हो गई है, आज हम इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। हाँ बोलो, आज का दिन सभी के लिए खुशहाली से भरा हुआ बीते। हाँ सभी ने खूब इंजॉय किया होगा और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए ये मारपीट करना नहीं छोड़ते। हाँ आप हमें लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिए, और बेल बटन को जरूर दबाइएगा जिससे नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके गुड नाइट टेडी। लो आज टेडी झूले में बैठ गया है, गुड नाइट टेडी। टेडी नाराज हो गया, वो खेला नहीं। नहीं सॉरी टेडी, सॉरी मैं आज तुम्हारे साथ नहीं खेली, कल खेलूंगी जरूर, श्योर पक्का। हाँ 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 क्या क्या। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट। चलो तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं खत्म करती हूँ, और उसके बाद इनकी सफाई करती हूँ, सफाई करके इन्हें सुला देती हूँ क्योंकि बहुत रात हो गई है, इतने रात तक ये जगते नहीं है। आज मैं देर से घर आई इसीलिए ये बंदरों की तरह लटक रहे हैं। ओके गुड बाय, तब तक के कल नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, खुश रहे, स्वस्थ रहे।